तो क्या तहफात और आपके मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आप तमाम लोग जानते हैं क्रिकेट कोशिश से हमारे पैगाम हम पहुँचाना चाहते हैं, हमारी जो कंपनीज के सीईओ साहब हैं, मालिक खान हैं, उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम जो हमारी कम्यूनिटी है वो सुबह से लेकर शाम तक रात देर तक अपने काम में मशगूल होती है, और हमारा जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है फ्यूल की वो मेडिकल ऐप के जरिए, क्योंकि हमारा या तो हमने गाड़ी इस्तेमाल करनी है या मोटरसाइकिल इस्तेमाल करनी है। तो जिस तरीके से ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह लोगों का मुआशी इस्तेसाल कर रहे हैं, मुआशी कत्ल कर रहे हैं लोगों का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कम्यूनिटी डिस्टर्ब हो रही है वो मेडिकल हेल्थ में, ठीक है। और हम तमाम ये एहतजाज करने का सिर्फ वजह ये है कि हम एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं अपने कंपनीज को, अपने मालकान को, कि देखिए हम आपके, अगर आप छत हैं तो हम सतून हैं, हम पिलर हैं, अगर हम गिर गए तो आप गिर जाएंगे, हमारे बगैर आप कुछ नहीं हैं, हम हैं तो आप हैं, क्योंकि हमने कमा के देना है आपको और आपने खाना है, उसमें से आपने हमें अपना हिस्सा देना है। तो हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, एक्सपेंसेस बढ़ाए जाएँ हमारे, और हमारी जो बेसिक सैलरीज हैं उस पर इजाफा किया जाए, क्योंकि इस वक्त तो जो सिचुएशन बन चुकी है उसमें हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरीज बहुत कम है, वो लोग तो कम से कम बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि अगर आप लोग हमें प्रोटेक्ट नहीं करते तो फिर हमारी तरफ से भी वही होगा कि हम कैसे काम करेंगे, जितना ज़्यादा हमें देंगे उतना ज़्यादा हम काम करेंगे। आज का प्रोटेस्ट का जो हमारा मकसद ये था कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो आ चुकी है, इन्होंने दिन ब दिन हमें पेट्रोल बढ़ा दिया है बार बार, हमारी कंपनियों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस वक्त हम लोग भी आपकी कंपनी की रीढ़ की हड्डी हैं, हम लोग भी दिन रात मेहनत करते हैं, इस वक्त डॉक्टर्स भी ज़ाहिर उनके रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ती है, पेशेंट वेलफेयर के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से, हर चीज़, तो हम लोगों ने भी काम करना है, हम लोग भी दिन रात सब हमारे माइलेज, हमारी डेली, हमारी भी बढ़ाई जाए ताकि हम भी अपने घर को अच्छी तरह से रन कर सकें, क्योंकि हमारे भी तमाम हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, अगर हम खुशहाल होंगे तो यकीनन कंपनी खुशहाल होगी, हम लोग सुकून से काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। कंपनी हमें बार बार ये मजबूर भी करती है कि आप अपनी ट्रैकिंग पूरी करें, अपना टारगेट पूरे करें, और डोर टू डोर जाके वर्किंग भी करें, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे टाइम पे पहुँचे, अगर इसके लिए फुलफिल हमने करना है ना, तो कम अज़ कम उनका कंपनी का भी हक है कि जो एक्सपेंस अभी डबल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो हमें एक्सपेंस की मद में, छोटी मद में या बेसिक सैलरी में हमें कम अज़ कम उतना अकोमोडेट तो करें ना, जितना कम एक्सपेंस बढ़े, अगर 5% से 10% आप एक्सपेंस करें या 1500 से 2000 की मद में आप हमें फूल चार्जेस दे देते हैं, तो उससे उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो आटे के नमक के बराबर होगा। तो मैं सिर्फ तमाम अपने जितने भी कंपनी मालकान हैं या जितने भी ऊपर मार्केटिंग के हेड बैठे हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ प्राव फार्मा एसोसिएशन बखर की जाने से कि काइंडली ये जितनी भी फील्ड फोर्स है, हम फ्रंट फुट फाइटर हैं, कम अज़ कम इनके मुआशी जो है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है ये कम अज़ कम देखे जाए, ताकि अगर हम आप अच्छे तरीके से अपने घर का किचन काम नहीं कर सकेंगे तो कंपनी का काम किस तरह करेंगे। ट्रैफिक कहना के तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जब 70-80 पे पेट्रोल था तब भी कंपनी हमें माइलेज भी वही दे रही थी, हमें एक्सपेंस भी वही दे रही थी, बेसिक भी हमारी वही थी, अब जबकि पेट्रोल 4 गुना पे पहुँच गया है, 240+ में चला गया है, तब भी हमारे एक्सपेंस वही हैं जो हमें पहले दिन से मिल रहे थे, हमारे बेसिक्स वही हैं जो पहले दिन से मिल रहे थे, जो हम वेट नहीं कर पा रहे, हमें लोकल में वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था, हम जो आउट स्टेशन में ट्रोच करते हैं और वो हम कैसे जस्टिफाई करें, हम जो हमें सैलरीज मिलती है वो तो हम अगर सारी हम फ्यूल में कंज्यूम करते हैं तो हम घर क्या लेके जाएंगे, ठीक है। हमारे सिर्फ यही मुतालबा है कि हमारी बेसिक्स, हमारे माइलेज और हमारे एक्सपेंस इंक्रीज किए जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए लेके जाए, ठीक है। इस तरह आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो मुआशी कत्ल किया लोगों का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर कम्यूनिटी हुई है वो मेडिकल ऐप है, उसकी वजह ये है कि हम लोग सुबह से रात गए तक मोटरसाइकिल पे या अपनी गाड़ियों पे काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो हमारे ऊपर ही लागू होती है,
और उस आप देखें कि जिस वक्त पेट्रोल के रेट्स 60 रुपये थे, उस वक्त भी हमारी जो एमेलमेंट से जो हमारे एक्सपेंस कह लें या हमारी ग्रास सर्विस कह लें वही थी जो आज है, क्यों उस पर थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। लेकिन अब पेट्रोल की कंडीशन आप देख लें कि पेट्रोल के रेट्स कहाँ तक चले गए, और सुनने में यही आ रहा है कि ये पेट्रोल के रेट्स जो है वो 310 रुपये तक जाकर रुके हुए, तो इसमें हमारा काम करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, हमारे चूल्हे ठंडे हो रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमारी गुजारिश यही है आपके लिए भी कोशिश से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं उनके मालिकान हैं, हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि हम बिलफौर हमारे जो है मुतालबात तस्लीम किए जाएँ और हमारी सैलरीज में इजाफा किया जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि वो अगर कंपनीज बारे ये कहते हैं कि वो छत हैं तो हम सतून हैं, अगर हम गिर जाएंगे वो भी गिर जाएंगे। तो मेरा ये मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, चाहे वो फ्यूल्स की मद में चाहे वो किसी भी मद में एक रीज़नेबल पैसे हमें दिए जाएँ ताकि हम उनके लिए अच्छा काम करें और उनके लिए मेहनत करें। तो मेरी यही आज की। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ आज आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मीडिया के सामने आप अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जो मालकान हैं उन्हें आपने अपने तहफ़ात से आगाह किया? देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब मैं ढूंढ दूँगा कि मालिकान को भी पता है कि हमारे जो वर्कर हैं वो सुबह से शाम तक मोटरसाइकिल पे काम करते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल के बगैर हम एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक तक भी नहीं जा सकते, और फिर अगर देखें ना तो डेली बेसिस पे हम सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करते हैं। हमने जितने भी पैराफ्रीज के इलाके हैं, जितने भी सराउंडिंग के इलाके हैं, जो देहाती इलाके हैं, वहाँ तक भी हमारी रसाई होती है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपसे मुश्किल का अदराक उन्हें होना चाहिए और उनको खुद से आपके पास? देखिए, उनको हमारा ये मुश्किल का इदराक है, बखूबी जानते हैं वो लोग, उन्हें पता है कि हमारे वर्कर अगर इनको हम तनख्वाह नहीं। देखिए, कंपनीज ये कह रही हैं कि हमारा प्रॉब्लम हो गई है कि हमारी फैक्ट्रीज जो हैं वो चल रही हैं जनाब बिजली पर चल रही हैं, गैस पर चल रही हैं या पेट्रोलियम मसलों पर चल रही हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हमारे एक्सपेंस बढ़ चुके हैं, भाई तो हम तो वो लोग हैं जो डेली बेसिस पर कमाने वाले लोग हैं, अगर हमें पैसे ना दिए जाएं तो हमारा ये मुआशी कत्ल है, हमारा मुआशी इस्तेमाल बंद किया जाए और हमारी तरफ बढ़ाई जाए। आप क्या कहेंगे सारे मामले में? रमान रही, जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो तदरीज बढ़ती ही चली जा रही है, और इम्कान यही है कि 300 पर लीटर से भी ज़्यादा तजावज़ कर जाएंगी ये कीमतें। तो इसमें सिर्फ एक पेट्रोल का मसला नहीं है, इसमें दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी भी कीमतों में नरखों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी जो कम्युनिटी है, आप जानते हैं कि बनकर में प्राइवेट सेक्टर कोई नहीं है, यहाँ जो हमारे 90% नौजवान हैं उनकी जो नज़र होती है वो तालीम मुकम्मल करने के बाद इसी शोबा पे होती है, क्योंकि यहाँ कोई और शोबा तो है नहीं जिससे रिस्क जो है वो कशीद किया जाए। तो हम जो है दिन रात काम करते हैं, और हमारा जो काम है जैसा अशरफ भाई ने बताया कि हमारी वर्किंग ज़्यादातर होती ही जो है वो बाइक्स पे है, मोटरसाइकिल्स पे है, या कुछ कंपनीज हैं, बल्कि मोस्टली कंपनीज हैं जिन्होंने अपने नुमाइंदगान को कारें भी दी हुई हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब हम मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते तो कारें कैसे अफोर्ड करें? तो कंपनीज़ को तमाम कंपनीज़ को जो मैन्युफैक्चर्ड एसोसिएशन है या फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है उसे चाहिए कि वो हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उन पे सोचें और उसका कोई तदारुक करें, ताकि हमारे अंदर जब वो हमें कोई करने के लिए काम करने के लिए जब तक वो सहूलियात नहीं देंगे उस वक्त तक हम कैसे परफॉर्म करेंगे? ये तो फिर जो है ना कि यहाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी, और हमें ये खदशा है कि कहीं ये ना हो कि कंपनी इस तनाजुर में आके जब लड़के वो अफोर्ड ही ना कर सकें टूर पे जाने के लिए और वो घर से लगा के वो करें, तो मैं नहीं समझता वो सरवाइव कर सकेंगे। और अगर लड़के सरवाइव नहीं कर सकेंगे तो कंपनियों की ये भूल है, सरवाइव वो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनका चूली दामन का साथ है। अगर कंपनीज ये समझती हैं कि हमारी प्रोडक्ट बिक रही है तो उसे बेचने वाले भी हैं, जब तक बेचने वाले नहीं होंगे वो नहीं बिकेंगी। ये कोई फहमियाँ दूर करें और हमारे जो मामलात हैं वो हल करें। चलें, बहुत शुक्रिया। आप हम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा फार्मा रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की तरफ से कि तमाम दोस्त तशरीफ लाए, जितने भी लोग आए उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एहतजाज इस हवाले से नहीं है
कि हम अपने हवाले से बात करें, ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो सबके सामने है। तो हम चाहते यही है कि पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रिलीफ दिया जाए, और ये आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान इस पत्थर की हद तक नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं नौजवानों की, और अपने घरों को जिस तरीके से ये लोग रन कर रहे हैं वो सबको पता है। तो हमारी ये हुकूमत वक्त से भरपूर तरीके से बजाज कर रहे हैं कि इनकी प्राइसेस को मतलब देखते हुए पेट्रोल की प्राइस को देखते हुए सैलरी में एक अच्छा खासा बूस्ट दिया जाए। और एक बंदा हो रहा जी, बाकी भी सर आतिफ बाकी भी। अस्सलाम वालेकुम, जैसा तमाम बिरादरान ने कहा है फारूक भाई, महंगाई हद से ज़्यादा है, और पेट्रोल या डीजल या फ्यूल के बारे में जो हम बात करें तो वो एक चीज़ है, इनफैक्ट हर चीज़ की कीमत बढ़ी है और कई गुना बढ़ी है, दो गुना तीन गुना। तो इस जो एक्सपेंस हमें मिलते हैं इसमें हमारे लिए अपना किचन मेट करना भी प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे कि हम उसको वर्किंग में लेते हैं। हमारा भरपूर मुतालबा है फार्मास्यूटिकल कंपनी से कि हमारी जो सैलरीज हैं वो रिवाइज की जाएँ ताकि हम अपने टारगेट को। बहुत सी कंपनियां जो हैं अमालमेंट्स बढ़ाए भी हैं, तो उसमें दो तीन स्पेसिफिक चीज़ें हैं, अगर वो बढ़ा दी जाएँ तो मोस्टली हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी है बैरिक फार्मास्यूटिकल, उसने टीएम के लिए जो पैकेज लॉन्च किया उन्होंने ये किया 1 मार्च के बाद, ये डेली वर्किंग के लिए 2 लीटर पेट्रोल उन्होंने बढ़ा दिया है, और 2 लीटर पेट्रोल बढ़ाया कैसे, उन्होंने करंट रेट पर बढ़ाया है कि जो करंट रेट मार्केट में चलता रहेगा वो जो है एम्प्लॉय जो है वो चार्ज करता रहेगा। और ये बहुत बेस्ट जो है वो तरीका है कि हम चाहे पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो जाए 400 लीटर हो जाए, कम से कम हम वो पेट्रोल डेली बेस जो हमारी कंजम्पशन है पेट्रोल की वो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेली बेसिस पे जो हमें रिक्वायरमेंट है, 2 लीटर पेट्रोल हमारा डेली लोकल की रिक्वायरमेंट है, बाकी आउटसीसी की रिक्वायरमेंट यही है। तो उसके लिए अगर पेट्रोल का अब अगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगर बढ़ा देते हैं और 1 माह के बाद फिर दोबारा जो है वो पेट्रोल इंक्रीज़ हो जाता है, ये और चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो असल मसला अब यहाँ पर ये हल है कि करंट रेट के मुताबिक हमें पेट्रोल की सहूलत दी जाए, जो भी कंपनी डिसीजन लेती हैं, ताकि हमारे मसाइल मसाइल हल हो चुके हैं। ये देखिए हम लाखों रुपए का टारगेट हम कर रहे हैं, लाखों रुपए के मेडिसिन को फायदा दे रहे हैं कंपनीज को, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, हम तो ले रहे हैं 20% 10%। ठीक है, कंपनी मालकान दिन ब दिन अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, तो अगर हम खुशहाल होंगे तो इंशाल्लाह कंपनी मालकान भी खुशहाल होंगे। रिक्वेस्ट है कि तुम अभी सवाल से कम अज़ कम एक मैच लेंगे सर। अच्छा तस्वीरें बना लेगा।